मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आया, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है, देश के हर वोटर से एक खास अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, बस में 33 बच्चे सवार थे। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। स्कूल की बस पलटने से हुए हादसे में 6 बच्चों की मौत, 14 बच्चे घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बारामूला से 3 आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों से हथियार बरामद। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, शहनवाज हुसैन बोले आजकल तेजस्वी और मुकेश सैनी चर्चा में बने रहने के लिए कभी मछली कभी संतरा खाकर डाल रहे हैं स्टेटस। तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो के बाद संतरा खाने वाले वीडियो पर राजनीति, आरजेडी बोली पहले बीजेपी को मछली का कांटा लगा, अब संतरे का स्वाद लग रहा है खट्टा। जेडीयू का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, नीरज कुमार बोले जेडीयू ने आपको दी थी 17 महीने की नौकरी, आपकी असफलता की वजह से बर्खास्त करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकते। देश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, बोले समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करना सुर्खियों में बने रहने का सिर्फ एक स्टंट है। दिल्ली में कई कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख और अहमदाबाद से प्रत्याशी रोहन गुप्ता समेत कई राज्यों के कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार, 12 अप्रैल को जेपी नड्डा की गोंदिया में जनसभा, 14 अप्रैल को साकोली और भंडारा में अमित शाह की रैली। बिहार में चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार करेंगे चुनाव प्रचार, 14 अप्रैल को एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के लिए मांगेंगे वोट। 16 अप्रैल को बिहार में ओंकार बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गया और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज महाराष्ट्र के नागपुर में बहुजन समाज पार्टी की रैली, बेझन बाग मैदान में आयोजित रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी सांसद आरपीएन सिंह ने लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, कहा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार कुल्लू पहुंची कंगना रनौत, बीजेपी नेताओं ने कुल्लू का पारंपरिक परिधान पट्टू और किन्नौरी टोपी पहनकर उनका स्वागत किया। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने संदेश खाली मामले में ममता